हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज मैं बनाने लगा हूँ टमाटर की एक चटनी। तो इसलिए टमाटर लिए हैं मैंने 7 से 8 टमाटर। ये छोटे वाले टमाटर हैं, वो वाले यूज करें, ज्यादा खट्टे होते हैं और चटनी के लिए बेटर रहेंगे। बड़े वाले ना यूज करें। 3 सूखी लाल मिर्चें हैं और 3 ही मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। तो दोस्तों, पैन में मैंने 1 टीस्पून सिर्फ रिफाइंड ऑयल डाला है और उसी के बीच में हम ये टमाटर, मिर्च और लहसुन जो है वो डाल देंगे। तो इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट होने तक कुक करना है। टमाटर को आपने ऐसे ही बिना कट किए हम इसमें डालेंगे। तो इसे पूरे प्रोसेस में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे, ढक कर इसे हम कुक करेंगे। साथ में इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून फुल गरम मसाला और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। तो इसे इसमें पानी डालेंगे, करीब 2 कप मैंने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो इसी पानी में ये सॉफ्ट होता रहेगा। तो दोस्तों, जैसे इसमें एक उबाल आएगा इसमें डालेंगे हम नमक। स्वाद के अनुसार ही डालें, ज्यादा ना डालें क्योंकि जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो नमक कम ही डालें। तो अब इसे कवर करके कुक करेंगे फिर से, जब तक कि टमाटर पूरे गल ना जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, जो टमाटर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से गल चुके हैं। अब इस तेज पे आके से हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ये जो मिर्चें हैं इनको साइड में निकाल लें, इनको हम ग्राइंड नहीं करेंगे। और बाकी जो सारा मिक्सचर है इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको साइड में निकाल लें और बाकी चीज को थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। तो दोस्तों, ये सारा ठंडा हो चुका है। तो जो मिर्चें थी हमने निकाल दी थी, तो मिर्चों के साथ साथ जो टमाटर का जो छिलका होता है, तो जैसे टमाटर गल चुका है तो छिलका बड़ी आसानी से सेपरेट हो चुका है, तो इसे भी साइड में आप निकाल लें। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं साइड में, क्योंकि ऑलरेडी जो पल्पी पार्ट है वो हमें चाहिए होगा सिर्फ, तो इसे भी निकाल के साइड में कर दें। तो आइए दोस्तों, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टोमेटो डिप जो रेडी हो चुकी है। तो जरूर ट्राई करें। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।